एक तरफ प्रयागराज में कुंभ की धूम, तो दूसरी तरफ अपने शहर बनारस में प्रवासी भारतीय दिवस की धूम। एफएम बोले तो रेडियो सिटी 91.9 एफएम से मैं आरजे नेहा, और आपको बता दूं कि 15वां प्रवासी भारतीय दिवस अपने शहर बनारस में होने वाला है 21 से 23 जनवरी के बीच में, और उसके लिए बनाया गया है शानदार सा टेंट हाउस एड़े गांव में। और इस समय नेहा एड़े गांव में ही बैठी हुई है, और जहां बैठी है ये है डाइनिंग टेबल। और डाइनिंग टेबल पर क्यों बैठी हुई है, क्योंकि अभी पेट पूजा करने का मन हो गया। इतना बड़ा टेंट सिटी है कि इस पूरे बड़े से टेंट सिटी को घूमने के लिए पेट पूजा करना बहुत ज़रूरी है। तो भोजनालय में आ गई हूँ, कुछ खाऊंगी पीऊँगी, उसके बाद इस बड़े से टेंट सिटी का नज़ारा आपको दिखाऊंगी कैमरे के थ्रू। यहाँ पर अतिथियों के लिए तीन तरीके के कॉटेजेस बनाए गए हैं। पहला है द काशी विला, दूसरा है सरस्वती स्विस कॉटेज, और तीसरा है त्रिवेणी कॉटेज। तीनों की फैसिलिटीज अलग अलग, विला है तो उसमें थोड़ी ज्यादा फैसिलिटीज हैं, सरस्वती स्विस कॉटेज में उससे थोड़ी सी कम, और त्रिवेणी कॉटेज में उससे थोड़ी सी कम। यानी ऑप्शन आपके पास कई सारे हैं, अब आपको डिसाइड करना है कि आपको किस में रहना है। पहली बार यहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोगों से अपील की, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपील की, और उसमें लोग आगे आए और 1000 से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया काशी आतिथ्य नाम के एक इनिशिएटिव में, जिसमें ये कहा गया कि ये जो लोग हैं प्रवासी भारतीय जिन्हें कहते हैं, कभी न कभी वो यहाँ के रहने वाले थे, उनके फोर फादर्स के यहाँ रूट्स हैं। वो होटल्स में तो कहीं भी दुनिया में कहीं भी रह सकते हैं, लेकिन अगर आपके घर में रहेंगे तो वो आपके दिल में बसेंगे। मेन गेट से एंट्री करते ही राइट साइड में आपको सबसे पहले मिलेगा लगेज लाउंज। थोड़ा सा आगे जब आप बढ़ेंगे इसी रूट पर तो आपको मिलेगा सबसे पहले विला डाइनिंग, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो डिलक्स डाइनिंग, और थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो त्रिवेणी कॉटेज के आगे आपको फैमिली डाइनिंग भी मिलेगा। अब चलते हैं लेफ्ट साइड की ओर। मेन एंट्री से जैसे ही आप लेफ्ट साइड की तरफ बढ़ेंगे तो सबसे पहले आपको दिखेगी आर्ट गैलरी, फिर रिसेप्शन, और इसी सेक्शन में आपको मेडिकल फैसिलिटीज, स्पा, और सबसे लास्ट में आपको मिलेगा सेफ्टी के लिए पुलिस कंट्रोल रूम भी। कुल मिला के इस टेंट सिटी के अंदर एक लग्जरी होटल में जितनी फैसिलिटीज होती हैं वो सब आपको इसके अंदर मिलने वाली है। यानी कि मेहमानों को फुल टू A1 क्लास की फैसिलिटी मिलने वाली है, जैसे कि लग्जरी होटल्स में होती है। और वैसे भी हम बनारसी तो कहते ही हैं, बनारसी क्या सभी कहते हैं कि अतिथि देवो भव, यानी कि अतिथि भगवान का रूप होता है ना। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा, और रेडियो सिटी के पेज को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी सुनते रहिए और देखते रहिए रेडियो सिटी 91.9 FM, रग रग में बनारस से रहिए।